Good morning, children. Today I will be telling you a new concept. आज हम एक नया concept पढ़ेंगे. जैसे हमने heavy और light पढ़ा था, वैसे आज एक हम नई चीज पढ़ेंगे. तो आप लोग अब ध्यान से देखो मैम क्या कर रही है. ओके, सो ये हमारी पास में एक छोटा सा बॉटल है. ठीक है, ये बॉटल में अंदर कुछ भी नहीं भरा है. देखो इसके अंदर से कुछ गिर रहा है क्या? नहीं गिर रहा, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं. तो हम इसे क्या कहेंगे? एम्प्टी. मतलब ये खाली है, इसे क्या कहेंगे? एम्प्टी. ठीक है, हमारे पास ऐसी ही सेम एक और बॉटल है. अब इसको इसके अंदर क्या भरा है? बिस्किट्स. यस, आप लोग बिस्किट्स खाते हो ना? यस. ये देखो इसमें फुल बिस्किट भरी हुई है. यहाँ पर पूरा ऊपर तक बिस्किट भरा हुआ है. तो हम इसे क्या कहेंगे? फुल. क्या कहेंगे? फुल. ठीक है, सो ये हुआ एम्प्टी एंड ये हुआ फुल. अब देखो हमारे पास ये दो ग्लासेस हैं. दोनों ग्लासेस क्या है? एम्प्टी. इसके अंदर कुछ भी नहीं है. जब एम्प्टी का मतलब क्या होता है? जब हम उसे उल्टा करते हैं तो उसके अंदर से कुछ नहीं गिरेगा. ठीक है, और जो फुल चीज होगी तो हम उसे उल्टा करेंगे तो उसके अंदर से चीज गिरती है. लेकिन कोई भी फुल चीज आपको उल्टी नहीं करनी है मम्मा डैडी से पूछे बगैर. ओके, अभी सिर्फ आपको समझना है कि एम्प्टी क्या होता है, फुल क्या होता है. अब देखो ये दोनों एम्प्टी है, खाली है. अब ये देखो ये एक पानी का बॉटल है, यहाँ अब तक पानी भरा हुआ है, मतलब ये बॉटल फुल. और एक और बॉटल मैम के पास में है बिल्कुल सेम वैसे, और ये है एम्प्टी. देखो एम्प्टी. मैम ने आपको हैवी और लाइट में बताया था, जो चीज लाइट होती है वो हिलती है, और ये हैवी है, ये ज्यादा नहीं हिल रही अपने आप से. देखो ये अपने आप से हिल रही है, थोड़ा सा भी छुओ तो हिलती है. क्यों? क्योंकि ये लाइट है. वैसे ही चीजें जब एम्प्टी होती है तो वो लाइट होती है, चीजें जब फुल होती है तो वो हैवी हो जाती है ना. अब हम क्या करेंगे, ये पानी, दिस वॉटर आई एम गोइंग टू पोर इट इन एन एम्प्टी ग्लास. अब जब हम इसे पोर कर रहे हैं तो दिस ग्लास इज नाउ फुल. फर्स्ट दिस ग्लास वॉज एम्प्टी. ये ग्लास पहले एम्प्टी था, अब ये ग्लास फुल हो गया है. सो अगर हम ग्लास देखेंगे, सो दिस इज अ फुल ग्लास एंड दिस इज एन एम्प्टी ग्लास. अंडरस्टूड? ठीक है, अभी हम मैम आपको कुछ और पिक्चर्स दिखाएंगी, उन पिक्चर्स में हम देखेंगे कि क्या एम्प्टी है क्या फुल है. ओके, कम ऑन लेट्स सी. सो ये हमारी एक्टिविटी देखेंगे. इस एक्टिविटी में देखो एक साइड में एप्पल्स एक बास्केट में भरे हुए हैं. सो वहां पे क्या लिखा हुआ है? एफ यू एल एल, इसका मतलब होता है फुल. और दूसरा बास्केट में कुछ भी नहीं है, इसीलिए उसे बोलेंगे एम्प्टी. अभी मैम ने आपको बताया था, है ना. अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखो ऊपर एक आइसक्रीम कप में आइसक्रीम्स रखी हुई है, आइसक्रीम पूरी फिल भरी हुई है. सो वो क्या है? फुल. और जो बाजू का जो कप है उसमें कुछ है नहीं है, तो वो क्या हुआ? एम्प्टी. ठीक है, वैसे ही एक प्लेट में चॉकलेट्स रखे हुए हैं और दूसरी प्लेट खाली है, तो उसे क्या बोलेंगे? एम्प्टी. ओके, अब यहाँ देखो फर्स्ट लाइन में एक बॉक्स में बुक्स रखी हुई है, बुक्स तीनों बॉक्स में रखी है, लेकिन जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें नहीं है. सो द फर्स्ट बॉक्स इज एम्प्टी. ये वाला बॉक्स एम्प्टी है. यहाँ क्या लिखा है? सर्कल द एम्प्टी ऑब्जेक्ट, है ना. तो हम इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को सर्कल कर रहे हैं. ये आपको करना नहीं है मैम, बस आपको करके दिखा रही है कि ऐसा करते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो आइसक्रीम कप में फोर में आइसक्रीम्स भरी हुई है, लेकिन एम्प्टी कौन सा है बताओ बताओ? यस, द लास्ट वन, है ना. वैसे ही यहाँ पोस्ट बॉक्स मेल बॉक्स में से एनवेलप निकल रहा है, एनवेलप किस में नहीं निकल रहा? यस, लास्ट वन. ओके, अब यहाँ देखो ग्लासेस हैं इतने सारे, उसमें से कौन सी ग्लास एम्प्टी है? यस, द फर्स्ट वन इज एम्प्टी एंड अदर वंस आर फुल. ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं आगे. ये देखो राइट साइड वाली ग्लास फुल है और लेफ्ट साइड वाली ग्लास एम्प्टी है. अब इसमें बताओ विच वन इज फुल. हमें टिक लगाना है जो चीज फुल है.
फुल क्या है? राइट और लेफ्ट? यस, वेरी गुड. राइट इज फुल एंड सॉरी लेफ्ट इज फुल एंड राइट इज एम्प्टी. ओके, दिस इज फुल. ओके एंड दिस इज एम्प्टी. ओके, नाउ अब इसमें बताओ वाटर कौन से जग में फुल है और कौन से में एम्प्टी है? यस, सोचो सोचो. यस, दिस इज फुल एंड दिस इज एम्प्टी. ओके, दिस इज फुल एंड दिस इज एम्प्टी. ओके, चलो. सो आपको ये समझ में आ गया. अभी पेज नंबर 2 जो AVS बुक में है उसमें आपको एम्प्टी और फुल वाली जो बॉटल है उसे कलर करना है. ठीक है, वो वाला पेज मैम आपको अभी भेजने वाली है और वो आपको कलर करके मैम को बताना है. ओके, चल स्टार्ट. टेक आउट योर AVS बुक एंड स्टार्ट कलरिंग द बॉटल. ओके, बाय.